खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और अभी मैं हो गई हूँ तैयार। अभी हम दूल्हे राजा को तैयार करेंगे, बीन बनाएंगे और निकासी भी निकालेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और मैंने पहनी है ये फिरोजी कलर की ड्रेस, स्काई ब्लू कलर की, और मुझे ये थोड़ी सी फीकी फीकी लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी चेंज कर लूँगी, दूसरी ड्रेस पहनूंगी। और आज के दिन में जो कुछ भी होगा मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चेंज कर लेती हूँ, ज्वेलरी चेंज नहीं करूंगी, चूड़ियाँ चेंज नहीं करूंगी, सिर्फ ड्रेस चेंज करूंगी, जो कि 5 मिनट का काम है। तो पहले ड्रेस चेंज करके फिर आपसे मिलती हूँ। और अभी मैंने ड्रेस चेंज कर ली है और मैंने पहनी है ये गाजरी कलर की ड्रेस, क्योंकि वो बड़ी डल डल दिख रही थी और वर्क काफ़ी टाइम से 5-6 साल पुरानी थी, तो वर्क काला भी पड़ गया था। तो अभी मैं ये लेके आई थी एक्स्ट्रा, तो मैंने पहन ली है। और चलिए दिखाते हैं अभी आपको आज का फंक्शन। और मैं आपको बता देती हूँ कि आज ही के दिन में बहुत सारे फंक्शन थे। आज सुबह हल्दी थी, दोपहर में मायरा था, अभी शाम को दूल्हे राजा को तैयार किया जाएगा, बीन बनाया जाएगा, उसी के साथ ऊपर खाना चल रहा है, साथ में ही संगीत चल रहा है। और संगीत के कुछ वीडियोज़ मैं इस ब्लॉग में शेयर कर दूँगी, कुछ मैं सेपरेट शेयर करूँगी, किसी को मैं ब्लॉग में शेयर करूँगी, किसी को मैं शॉर्ट्स में शेयर करूँगी। तो इसीलिए आप लोग शॉर्ट्स भी चेक करते रहिएगा, कुछ मैं रील्स के साथ भी इंस्टा पे भी शेयर करूँगी, तो आप इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नीतू चौहान ब्लॉग्स। और अभी दूल्हे राजा की 5 लेडीज़ पिट्ठी उतारेंगी। आपको मालूम है पहले जो हल्दी का फंक्शन होता है उस वक्त पिट्ठी चढ़ाई जाती है, और जब दूल्हा बनता है तब पिट्ठी उतारी जाती है। जिन लोगों ने पिट्ठी चढ़ाई है वही पिट्ठी उतारेंगे, और उसके बाद दूल्हे राजा नहाने के लिए चले जाएंगे और बाकी जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। सुषमा बहुत सुपर फास्ट हो आप। मैं मोबाइल ऐसे करती करती थक गई। हाँ नहीं नहीं, हाँ नहीं कर रहे, हाँ नहीं करना, हाँ आज हाँ ये तो भी कौन गावा गई। तोड़ के दू, मैं इधर तोड़ के दूँ ना, देव मैं तोड़ के, हाँ मैं तोड़ के दूँ ना। हाँ हाँ देंगी मैं देंगी। तो अभी हमारे दूल्हे राजा के पिट्ठी उतार दी है और झोल डाल दिया है। झोल हमारे यहाँ पे झोल डालना बोलते हैं और यहाँ पे बोलते हैं जोधपुर में अटाल डालना। तो अब दूल्हे राजा नहाने चले गए हैं और जब बीन बनाएंगे तब भी मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगी, और उससे पहले खाना खा लेंगे। और मैं आपको बता दूँ आज के दिन में ही सारे फंक्शन हुए हैं, सुबह हल्दी का फंक्शन, दिन में मायरे का फंक्शन, शाम को दूल्हे राजा को तैयार करेंगे, निकासी निकालेंगे और संगीत भी है। तो संगीत के सारे वीडियो में सेपरेट अलग से अपलोड करूंगी, वरना क्या होता है कभी किसी ब्लॉग में, उस ब्लॉग में क्या सॉरी सॉन्ग में ना कॉपीराइट आता है, किसी में नहीं आता, तो उसके फिर क्या होता है एक ही में अगर मैं सारे डांस डालती हूँ तो सब में कॉपीराइट आ जाता है, किसी में नहीं आता, तो मेरा वो पूरा वीडियो बेकार चला जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि सबका सेपरेट सेपरेट अपलोड कर दूँ। और ये जो ब्लॉग रहेगा ये पूरा दूल्हे राजा को तैयार करने का, निकासी का सारा रहेगा। और अभी मैं थोड़ी देर आई हूँ कमरे में, मैंने कहा अभी मेरा कोई काम है नहीं, तो चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो गई है। क्या बोला तूने? तो
ये बढ़िया था गुरु। रुको जरा, सबर करो। और यहाँ पर दूल्हे राजा तैयार हो रहे थे और यहाँ लेडीज़ का ज़्यादा कोई काम था नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा ब्लॉग बना करके बाहर आ गए हैं। और जब दूल्हे राजा पूरे तैयार हो जाएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम दिखाएंगे हमारे दूल्हे राजा तैयार होने के बाद कैसे लग रहे हैं। हो गए हमारे दूल्हे राजा तैयार, बहुत सुंदर लग रहे हो। तू 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 सचिन, नहीं नहीं नहीं, ओ देख हेलो बैठ लो, ये चलो कि मैंने सोई हूं। इससे पहले जो आपने क्लिप देखी थी वो मेरे प्यारे से राजा बेटा ने वीडियो बना के दिया था। मैंने उससे बोला था, बेटा मैं आगे जा नहीं सकती, तू तो थोड़ा सा मेरे लिए ब्लॉग बना दे। और मेरे हाथ में कैमरा आते ही फ्रंट कैमरा करके हमने थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया। और इसके बाद दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठे तो मैं इस साइड से ब्लॉग बना रही थी और मुझे मालूम ही नहीं चला कि दूसरी साइड से मेरे पतिदेव भी मेरे लिए ब्लॉग बना रहे हैं, जो कि आगे आप क्लिप देखोगे जब मैं दूल्हे राजा की उंवारनी करने के लिए ऊपर चढ़ूंगी इस कुर्सी के ऊपर। क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है जब दूल्हे राजा घोड़ी चढ़ते हैं तो घर परिवार की सभी लेडीज़ आके उनके उंवारनी करती है और उनके हाथ में पैसे देती है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि दूल्हे राजा जब जाते हैं तो उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा जाता, तो सभी लेडीज़ आते हैं उंवारनी करती है और उनके हाथ में कुछ पैसे देती है। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये मेरे पतिदेव ने शूट की थी, इसके लिए थैंक यू सो मच पतिदेव, आपकी तो जितनी तारीफ की जाए वो कम ही होगी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और आप जो ये क्लिप देख रहे हो ये भी मेरी पतिदेव ने ही शूट की है। और एक औरत तभी कामयाब होती है जब उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है सपोर्ट करने के लिए, और मुझे मेरे पूरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरा ये चैनल बनाने के पीछे भी उन्हीं का हाथ है, मेरे बेटा और बेटी का और पतिदेव का। ये चैनल मैंने क्यों बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, इसके पीछे क्या कारण था, ये सब कभी और शेयर करूँगी। आज तो मैं आपके साथ शादी का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और अभी दूल्हे राजा की मम्मी आए हैं, हमारे सुशला जी आए हैं, और दूल्हे राजा की जो भी रस्में होती है वो सब वो पूरी कर रहे हैं। और इसके बाद बस अब रवाना होगी बारात। अभी बारात नहीं है, अभी ये निकासी है, निकासी निकालेंगे और दूल्हे राजा मंदिर तक जाएंगे, मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे और उसके बाद अपने किसी फ्रेंड्स के यहाँ पे या रिलेटिव के यहाँ पे जा कर के सो जाएंगे। और सुबह फिर नहा धो कर के बारात फिर से रवाना होगी। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ पर भी ऐसा होता है। गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे और बारात रवाना हो चुकी है। ये है बस के अंदर का वीडियो और कुछ अच्छे से प्यारे से लोग थे जिन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाया और मुझे सेंड किया। मैं बारात में नहीं गई हूँ लेकिन उन्होंने सारे वीडियोस मुझे सेंड कर दिए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ बस के अंदर चल रही है मस्ती, अंताक्षरी खेली जा रही है और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो होगा सीधा जयपुर पहुँचने का बारात का। और यहाँ पर लड़के वाले यानी कि हम लोग बारात लेके पहुँच गए हैं
और यहाँ पर लड़की वालों ने किया बहुत ही ज़बरदस्त ढोल के साथ स्वागत लड़के वालों का, और इसके बाद ये लोग पडला जमाएंगे, पडले की तैयारी करेंगे, उसके बाद ये बारात चढ़ाएंगे। तो बस ये वेलकम होने के बाद इन्होंने किया थोड़ा बहुत नाश्ता और उसके बाद पूरी पडले की तैयारी कर दी है, और पडले का वीडियो भी मेरे पास आ गया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर पडले की तैयारी हो रही है, और मैं आपको बता दूँ बरियों का और गहनों का वैसे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल में कि ज्वेलरी का डिज़ाइन कैसा था सब कुछ। लेकिन अभी मेरे लिए जिन्होंने भी ये ब्लॉग बनाए, जो वीडियोस बनाए, चाहे वो चिंकी हो, रीमा जी हो, मेरे पति देव हो, बाकी जिसने भी मेरे लिए ब्लॉग बनाया, वीडियो बनाया, उनके लिए थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार। ये शादी के जितने भी ब्लॉग आएंगे मैं सब में आप लोगों को थैंक यू बोलती रहूँगी, क्योंकि दिल से धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ पर नहीं थी फिर भी आपने मेरे लिए वीडियोस बनाया, इसके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू। और मैं आपको बता दूं कि बरियां थी, और जो भी पडले में होता है ज्वेलरी होती है, गोल्ड में हमने डाला था चूड़ा, सीसफूल, बाजूबंद, नोगरियां, आड़, कानों के रखड़ी, पायल, और जो भी छोटे मोटे वो सब होता है वो सब गोल्ड में था। 11 बरियां थी, बरियों में कौन से कलर थे, कौन से डिज़ाइन थे, वो आगे कभी किसी ब्लॉग में मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी, ज्वेलरी की डिज़ाइन भी दिखाऊँगी। तो मेरे चैनल से बने रहिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिस ब्लॉग को आप इस वक्त देख रहे हैं तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की शादी अगर आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आपको हमारे ये जो राजस्थानी वेशभूषा है, राजस्थानी ज्वेलरी है, वो कैसी लगती है वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और यहाँ पर दूल्हे राजा आ गए हैं टीके के लिए, यहाँ पे टीके की रस्म चल रही है, पंडित जी जो मंत्र वंत्र पढ़ के दूल्हे राजा को तिलक कर रहे हैं, और यहाँ टीका चल रहा है। टीका होने के बाद में फिर ये लोग बारात चढ़ाएंगे, पहले दूल्हे राजा हाथी पे बारात चढ़ाएंगे, उसके बाद जब लड़की वालों के यहाँ जाएंगे तब घोड़े पे चढ़ेंगे। और यहाँ पर बारात और बाराती और दूल्हे राजा तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं दूल्हे राजा आ गए हैं हाथी पे बड़ी शान और शौकत से। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बारात बहुत शानदार चढ़ाई गई थी जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और यहाँ दूल्हे राजा कर रहे हैं हाय, क्योंकि कोई बालकनी में खड़ा था तो उन्हें हाय किया तो उन्होंने हाथ हिला दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे है ऊंट, उसके पीछे हैं घोड़े, और उसके पीछे हैं लाइटिंग वाले, मतलब ये बारात जो देखने में इतनी सुंदर लग रही है शायद आपको वीडियोज़ में इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, बड़ी ही शानदार बारात चढ़ाई गई थी। फिर ये लाइटिंग वाले पहले ऊंट थे, फिर घोड़े थे, फिर ये लाइटिंग वाले थे, उसके बाद बाराती, हाथी, हाथी के ऊपर हमारे दूल्हे राजा, फिर उसके पीछे बाराती, बहुत ही शानदार है। आप बताइएगा आपको ये बारात कैसी लगी। और लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ आप देख सकते हो हमारी दुल्हन भी आ गई है, और दुल्हन की तरफ से जितने भी लोग थे नाचते गाते हुए दुल्हन को स्टेज के पास ला रहे हैं। और इसके बाद जैसे ही दूल्हे राजा देखेंगे कि दुल्हन आ गई है, ये देख लो दूल्हे राजा लपक के स्टेज के पास में आ गए हैं, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो मुझे बोल दो कि दुल्हन का हाथ पकड़ो और स्टेज पे ले आओ। तो देखो एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हुए दुल्हन के पास आ गए हैं कि कोई तो बोल दो, अरे कोई तो बोल दो, और किसी ने बोला, और दूल्हे राजा ने अपना हाथ बढ़ा दिया है दुल्हन की तरफ, और दुल्हन ने दे दिया है अपना हाथ, और यहाँ दूल्हे राजा लेकर के आ गए हैं दुल्हन को स्टेज के ऊपर, और अब होगी वरमाला। और लड़की वालों की तरफ से जो भी लोग होंगे वो वरमाला लेकर के ऊपर आएंगे, और दुल्हन के हाथ में और दूल्हे के हाथ में दे दी है वरमाला, और अब वरमाला होगी। उससे पहले ये जो फोटोग्राफर है वो सबको नीचे उतार देंगे, और यहाँ रहेंगे सिर्फ दूल्हा दुल्हन। और अभी सभी लोग नीचे जा चुके हैं, और दूल्हा दुल्हन के हाथ में आ गई है वरमाला, अब बस इंतज़ार है कि कोई तो बोले और हम एक दूसरे के गले में वरमाला डाल दें। तो चलिए दोस्तों आप भी इंजॉय कीजिए इस वरमाला को।
और यहाँ पर वरमाला हो गई है, अभी दूल्हा दुल्हन जाएंगे फेरों में, फेरे के बाद बस ये ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।